So, ये रहा ब्लू टाइड कलर में कूल सा डिवाइस देखने में हमारे वन प्लस का नॉर्ट सीई टू लाइट फटाफट से इसको करती हूँ सेटअप और आपको बताती हूं कि डिवाइस के अंदर हमें क्या क्या मिलता है

आ जाता है सबसे पहले Redmi की तरफ से Redmi Note 11 Pro Plus उसके बाद हमारे पास आ जाता है Realme का Realme 9 Pro Plus और उसके साथ हमारे पास आ जाता है Xiaomi की तरफ से Xiaomi 11i सो so, इतने सारा कंपटीशन होने की वजह से अब ये फोन हमारा कहाँ स्टैंड करता है आपको बताती हूँ मैं मतलब ये लेना आपके लिए बढ़िया रहेगा या नहीं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस डिवाइस के डिजाइन के बारे में ये जो हमारे डिवाइस है इसके अंदर आपको मिलती है प्लास्टिक बॉडी प्लास्टिक की फ्रेमिंग लेकिन लुकवाइज देखने में डिवाइस मुझे ये काफी अच्छा लगा मतलब आपको यहाँ पे जो ये ब्लू कलर मिल रहा है इसके अंदर तो बहुत ही प्यारा सा कूल सा इफेक्ट देखने को मिल रहा है हाथ में होल्ड करो दूर से अच्छा लग रहा है डिवाइस यहाँ पे हालांकि यहाँ पे एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी ये जो हमारे पास एक लाइंस लाइंस वाला पैटर्न दिया हुआ है मतलब ये ना अधूरा सा लग रहा है या तो ये पूरा देते या तो ये ना देते मतलब बीच में हल्का सा आ रहा है तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये यहाँ पे लाइंस लाइंस वाला पैटर्न क्यों दिया गया है लेकिन उसके अलावा देखा जाए तो डिवाइस का जो कलर है ये भी बहुत ही कूल सा इफेक्ट दे रहा है वैसे आपको इसमें ब्लैक कलर की भी ऑप्शन मिलती है मेरे हिसाब से ये ज्यादा

पे। पे बजट के हिसाब से तो काफी ठीक मिल जाती है थ्री लाख नाइन्टी थ्री थाउजेंड स्टोरेज टेस्ट जो मैंने रन किया था उसके अंदर जो रिजल्ट आए हैं फाइव ट्वेंटी रीड स्पीड आई है आपको यहाँ पेटलिंग को भी नहीं मिली नाइन हमारा हाई स्कोर आया था जिसमें आपको कोई ही देखने को नहीं मिलती है मतलब वैसे देखा जाए तो डिवाइस का हमारा जो प्रोसेसर है ये काफी स्टेडी परफॉर्मेंस आपको दे देता है ना इसके अंदर आपको कोई हीटिंग देखने को मिलती है ना ही इसके अंदर आपको कोई थ्रॉटलिंग देखने को मिलती है एक स्टेडी सी परफॉर्मेंस मिल जाती है लेकिन ये जो हमारा प्रोसेसर है इसको मैंने ना कई सारे डिवाइसेस के अंदर टेस्ट कर लिया है और मैं आपको बताऊं इसमें ना एक्चुअली में दो नेगेटिव पॉइंट आते हैं एक पहला नेगेटिव पॉइंट जो आता है वो आता है गेमर्स के लिए यहाँ पे बीजीवाई के अंदर आपको एच डी ग्राफिक के लिए आपको मतलब वो नहीं आएगा, वो इसके अलावा जो सेकेंड नेगेटिव पॉइंट आता है वो कैमरे में आता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं हम डिवाइस के डिस्प्ले के बारे में अब डिस्प्ले में भी देखा जाए तो यहाँ पे काफी गड़बड़ कर दी गई है क्योंकि आपको खराब डिस्प्ले मिलता है एलसीडी पैनल मिलता है यहाँ पे आपको 6.59 इंच का, जिसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है और फुल एसिड प्लस रेजोल्यूशन मिल रही है। अब यहाँ पे आपको मतलब देखा जाए ना

यहाँ पे मैं गेम खेल रही हूँ अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे स्मूथ लग रहा है उसके अलावा आप अगर स्क्रॉलिंग करते हैं फास्ट फास्ट उसमें भी अच्छा लगेगा लेकिन आप देख सकते हो गेम जो मैं खेल रही हूँ उसके अंदर वो मजा नहीं आ रहा है जो जो एमुलर डिस्प्ले के हमें देखने को मिलता है अब मतलब आप अगर पूरे दिन में अपने फोन के अंदर कोई मूवीज वीडियोस देख रहे हो और आपका फ्रेंड लेकर आए डिस्प्ले वाला डिवाइस उसके अंदर आपको ज्यादा बढ़िया लगेगा इफेक्ट सामने देखने में तो मेरे हिसाब से ना बेशक कंपनी पे 60 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट दे या 90 का रिफ्रेश रेट दे लेकिन डिस्प्ले जो पैनल है वो हमारा एमुलेट मिलना चाहिए उसमें मतलब आपके पैसे की एक्चुअल वैल्यू है अब यहाँ पे आपको ऑडियो आउटपुट की मैं बात करूँ तो वो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आपको सिर्फ सिंगल स्पीकर मिलता है पे आप एक्साम्पल सुन सकते हैं

वाइड नहीं है मतलब बेटर रहता कि ये दो दो वाले हटा के एक आठ का अल्ट्रा वाइड दे देते बारह देते आठ का ही दे देते बंदा अपने वाइड एंगल के अंदर अच्छे से पिक्स तो क्लिक कर लेता लेकिन नहीं आपको यहाँ पे दो यूजलेस कैमरा मिलते हैं तो आप कह सकते हैं कि बैक में आपको रेयर में एक ही कैमरा मिलता जो काफी अच्छी आ रही है और उसके साथ आपको डिटेलिंग भी सही मिल जाती है, इसके अंदर एक सी है जैसे बुके के अंदर आप पिक लेंगे तो अगर आपके बैकग्राउंड में लाइट है तो उसके अंदर आपको ये मतलब थोड़ा सा डार्क कर देगा को कंट्रास्ट को बढ़ा देगा ये चीज पहले हमारे अभी थोड़ा टाइम पहले शाउमी के डिवाइसेस के अंदर भी थी अभी यहाँ पे भी मैंने देखी है मतलब वैसे देखा जाए तो आपको इफेक्ट देखने को मिल रहा है बहुत ही पंची कलर्स आपको यहां पे देखने को मिल जाते हैं भी लगती है कईयों को ये चीज भी कईयों को अच्छी नहीं लगती है लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सेल्फी कैमरा के बारे में तो यहाँ पे हमारे पास 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आता है आई एम एक्स फोर सेंसर के साथ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ओके ओके पिक्स यहाँ पे मिल जाती है यहाँ पे आपको एजुटेक्शन भी ठीक मिल रहा है और बैकग्राउंड में अगर लाइट है तो उसको ब्लोन आउट नहीं कर रहा ना ही नॉर्मल मोड में ना ही बुके मोड में और साथ ही सेल्फी कैमरा में आपको कई सारे फिल्टर्स भी मिल जाते हैं तो उसके अंदर भी आप अपनी बड़े बड़े यहाँ पे पिक्स ले सकते हैं तो ये सेल्फी कैमरा के हिसाब से तो डिवाइस ठीक है अब वीडियोग्राफी की मैं बात

कि ये हमारा OnePlus का CE वाला एडिशन है, तो इसके अंदर आपको स्लाइडर नहीं मिलता, वो मिसिंग लगेगा। लेकिन अच्छी चीज़ माइक है, है और उसके साथ स्पीकर अब इसके साथ राइट साइड पावर बटन आता है जिसके अंदर हमारे पास आता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और प्रिंग जैसे मैंने यूज किया दस में से छह बारी तो खोल देता है चार तो अटक जाता है

बेकार <laughs> से कैमरा है आगे बताती हूँ कैमरा में इसके साथ हमारे पास नीचे आती है की बैजिंग और फ्रंट साइड में आपको यहाँ पे सेल्फी कैमरा मिलता है पंचोल डिजाइन में साइड में और उसके साथ आप देख सकते हैं कि डिवाइस का जो डिस्प्ले है उसके बीजल्स हमारे कम है हालांकि चिन साइड हमारी थोड़ी सी थिक आ रही है ओवरऑल देखा जाए तो डिस्प्ले के ऊपर आपको यहाँ पे स्क्रीन गार्ड भी लगा हुआ मिल जाता है सो so ये तो हो गया हमारे डिवाइस का डिजाइन एंड इंटरफेस अब तो ये था हमारा डिवाइस हमारा वन की तरफ से सबसे सस्ता डिवाइस नॉट सी टू अब इस डिवाइस को देखा

है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें